मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। और जो आज के मौजू की तरफ आते हैं, आज का मौजू क्या है? आज का मौजू ये है कि आप अपने हाथों को और पाँव को नर्म मुलायम और जो है इसमें उम्र जो है वो नज़र ना आए, आपके हाथ भरे भरे रहें और आपके हाथ जो है इस तरह, मतलब कि इस तरह नहीं, इससे भी बहुत अच्छे रहें। तो ये आप अपने हाथों को अच्छा कैसे रख सकते हैं या मैं क्या करती हूँ अपने हाथों को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे बहुत दफ़ा पूछा कि डॉक्टर बिल्कीस आप बताएँ कि हाथ, हालांकि आप यकीन करें या ना करें, मैं गार्डनिंग भी करती हूँ, मैं घर के काम भी करती हूँ, मैं हर चीज़ करती हूँ, मगर हाथ ऐसे कैसे आप लोगों के भी रह सकते हैं, ठीक है, और इससे भी अच्छे कैसे हो सकते हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि रिंकल्स ना हो, नर्म और मुलायम हो। एज तो है, आनी है, और एज एजिंग को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथों को, पाँव को, बॉडी को बहुत अच्छा रखने में आपकी मदद कर सकती है। तो खाने के लिए मैं आपको बताऊंगी, एक कप दही में त्रिफला पाउडर डाल के ज़रूर खाया करें, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और उसके अलावा जितने भी नेचुरल कॉलेजन्स हैं उन पे अमल किया करें। साथ में मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं हफ्ते में एक बार लाजमी जो इस्तेमाल करती हूँ वो है गुड़ और तिल, सफ़ेद तिल। इसका मैं क्या करती हूँ, देखिए ये सफ़ेद तिल आपको बताने के लिए अलग रखे थे, लेकिन पाउडर बना के रखा हुआ ये अलग। इन दोनों का मैं स्क्रब बना लेती हूँ, स्क्रब बनाकर मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। गुड़ को मैं अभी यहाँ पर हाथ से तोड़ूंगी, इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला लूँगी, ठीक है। आपके हाथों का कलर, लोगों के नकल्स डार्क होते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। आप वैसे इन दोनों को मिक्स करके पाउडर बनाकर आप रख सकते हैं, ठीक है, अपने मतलब उसके हिसाब से लीजिएगा। ये मैंने जो बनाया है हाथ आपके सामने करके, पाँव आपके सामने नहीं करके सही है, पाँव पे भी यही लगाऊंगी। तो ये मैनी भी है और पैडी भी है, किसके लिए है? आपके हाथ जो है वो बिल्कुल सही रहेंगे, एजिंग एज साइन नहीं आएंगे। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैंने पानी रखा है, एक से दो चम्मच पानी डाल रही हूँ। इसको देखिए बनाकर आपको बता रही हूँ कि कैसे आपने बनाना है। बिल्कुल मिल्की वाइट की, मतलब कि ऐसा लगेगा जैसे अब मक्खन बन गया है, ऐसे आपने बनाना है। इसको बिल्कुल आपस में मर्ज कर लेना है। देखिए जो चीज़ें ना मिलाने वाली चीज़ें ना, आप उसमें अगर जल्दी नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप मिक्सिंग में गड़बड़ करेंगे तो रिज़ल्ट भी गड़बड़ होगा, याद रखिएगा। तो थोड़ी सी मेहनत कर लें तो अच्छा। अब मैं बता देती हूँ ये दोनों क्या करेंगे। सेसमी यानी तिल, कैल्शियम का ख़जाना होता है आपको पता है, और सेसमी की एक और खसूसियत होती है, ये जिसके साथ मिलता है उसकी खसूसियत को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और अपनी खसूसियत को ख़त्म नहीं करता, ठीक है। बहुत सारे लोग तिल के तेल में खाना भी बनाते हैं, जो अच्छी बात है, और प्योर जो नेचुरोपैथ हैं जो उनको पता होगा कि हम तिल के तेल में ही अपने सारे हर्ब्स को जो है ना इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी खसूसियत इसके साथ मिल जाए। गुड़ का आपको पता है, गुड़ आपकी जो स्किन को सही करने के साथ, ब्राइट करने के साथ, इसमें जो इसके डेड स्किन है उसको निकालने में मदद करती है। ये देखें, ये बन गया आपका वो क्रीम जो आपकी डेड स्किन को भी निकालेगा और आपके हाथों को, हाथों का रंग भी अच्छा करेगा और एज साइन से बचाने में भी मदद करेगा। अब मैंने इसको लिया ऐसे और इसका स्क्रबिंग स्टार्ट की। दोनों हाथ पे मुझे करना है, मैं दूसरे हाथ पे भी करूँगी, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा मैं ग्लव्स पहन के काम भी नहीं करती, है ना, मैं ग्लव्स भी नहीं इस्तेमाल करती, सही है। अब क्या है, हर चीज़ एक्सरसाइज मांगती है, तो इनकी भी एक्सरसाइज है। ये देखें, वैसे तो काम करना भी एक्सरसाइज है, मेरी सारी बहनें जो घर के सारे काम कर लेती हैं। तो रात को इसके बाद में एक क्रीम बनाना बताऊंगी, वो रोज़ाना लगा कर सोएं, उससे आपके हाथ बहुत नरम मुलायम हो जाएंगे। अच्छा करते करते ना ये देखें, ये आपके बालों को अच्छा रखने में आपकी मदद करता है, आपके बालों को लंबा करने में आपकी मदद करता है,
ये वाली हरकत जो है, ये वाला जो एक्सरसाइज है, ये 5 मिनट के लिए करना है। तो आपको एक और टिप मिल गई, ये आपने अच्छी तरीके से किया, बिल्कुल अच्छे से किया, सही है। अच्छा, ये करना आपने घर में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने ये 5 मिनट्स के लिए करना है, घड़ी देख के 5 मिनट के लिए करना है, ठीक है। उसमें आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है, नकल्स का ख्याल रखना है आपने, तमाम नकल्स का, आपने अपनी जो है नाखूनों का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। कर लिया, अब मैंने यहाँ पे पानी रखा था तो मैं क्या करूँगी, इसमें अपने हाथ डिप करके धो लूँगी, ठीक है। फिर हम दूसरे फेस की तरफ आएंगे। ये देखें कि मैंने हाथ अपने धो लिए। इससे पहले भी मैंने तिल और गुलाब की पत्तियों का भी बताया था, वो भी बहुत अच्छा है। ये जो जो अभी जिनकी शादियाँ होने वाली हैं ईद के बाद या अभी, वो लोग भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये हाथ हैं, अच्छा ये पाँव पे भी करना है, ठीक है। ये अब मैं इसको पहुँच लेती हूँ। मैंने आपको हमेशा कहा है कि मूंगफली का तेल पीनट ऑयल बहुत अच्छा होता है। घर में बनाने का बता देती हूँ आपको, मूंगफली जो मिल जाती है, मतलब कि आपको जो मूंगफली भुनी हुई मिल जाती है, उसको उसमें थोड़ा सा जैतून का तेल डालकर, थोड़ा सा जैतून के तेल के छींटे डालकर हल्के से डबल बर्नर पे आप मिक्स करते जाएं तो आपको ऑर्गेनिकली मूंगफली का तेल घर में मिल जाएगा। अब मैं इसमें ले रही हूँ मूंगफली का तेल। और मूंगफली का तेल मैं क्यों यूज़ करती हूँ, फुल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। स्किन जो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है, उसको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये मैंने मूंगफली का तेल लिया 1 चम्मच। उसमें आप सॉल्ट फ्री मक्खन भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं आप? सॉल्ट फ्री मक्खन ले सकते हैं, गाय का देसी घी ले सकते हैं, जो आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं, ठीक है। इसमें ये मैं डालूंगी, मेरे पास है ऑर्गेनिक मक्खन, ठीक है, ये डाल रही हूँ। आपकी मर्जी है, आपको जो लेना है, ठीक है। मैंने हमेशा आपको कहा है 2 इंग्रेडिएंट्स लें, उसको मिक्स कर लें। मूंगफली का तेल लिया मैंने, गाय का घी लिया, सॉरी मैंने गाय का मक्खन लिया है, ठीक है, उनको मैंने मिक्स कर लिया। इसमें एक और चीज़ जाएगी, ये फुल रिच क्रीम बनेगी। आप देखिए इसको मिक्स करती जा रही हूँ। तीसरी चीज़ इसमें जाएगी, घर से बलाई भी आपने 1 चम्मच, तीनों हम वज़न लेकर आप रख लें, ठीक है। तीनों को आपने हम वज़न लेकर आपने रखना है, सही है, मिक्स कर लेना है। क्या क्या डाला हमने? हमने इसमें डाला गाय का घी, मूंगफली का तेल, और तीसरा हमने इसमें मिक्स किया मक्खन, सही है। तीनों की अपनी अपनी इफादियत है, तीनों ही इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं आपके हाथ पांव बहुत अच्छे रहे और आप इसको, और अब जो है कुछ लोग नफासत पसंद, नफीस लोग हैं, इसमें रोज़ ऑयल डाल दें, जो है ना आपके थकन अगर उतारना है तो ऑरेंज एसेंशियल ऑयल डाल दें, और अगर और नहीं तो कोई भी एसेंशियल ऑयल जो है, नहीं ऑरेंज एसेंशियल ऑयल अच्छा है, लेमन एसेंशियल ऑयल अच्छा है, बर्गमॉट एसेंशियल ऑयल अच्छा है, ये आप लोग शामिल कर सकते हैं। ये बन गया, नहीं करना तो आपकी चीज़ क्रीम तो आपकी तैयार हो गई। अब देखें ये क्रीम कितनी अच्छी लग रही है आपको। इसमें जो शाइन है ना, वही शाइन ये आपके जिल्द पे लाएगा। आप देख लें कितनी शाइनी सॉफ्ट लग रही है ना, कितनी सॉफ्ट है ये देखें। और यही सॉफ्टनेस ये आपकी बॉडी पे भी ला सकते हैं, आपके हाथों पे भी ला सकते हैं, आपके पाँव पे भी ला सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा लेकर अपने नाखूनों पर लगाऊँगी, सही है, पूरे नाखूनों पे। पहले आप नाखूनों का ख्याल किया करें, नेल्स पे लगाया करें, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है जिनके नेल्स जो है ना यहाँ से टूट टूट जाते हैं। लेकिन प्लीज़ आप B12 का ख्याल रखिएगा, लीवर का ख्याल रखें कि क्यों हो रहा है। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल जो है कीजिए, और फॉलिक एसिड जिन जिन चीज़ों में होता है, खुबानी उसमें से एक है, खुबानी का इस्तेमाल कीजिए, सही है। मैंने पहले इनको अच्छी तरीके से, रात को लगाने का तरीका भी आपको मैं बता रही हूँ कैसे लगाना है। आपने अच्छी तरीके से पहले लगाया अपने नेल्स पे, ठीक है, नेल्स पे आपने लगाया 10 के 10 नेल्स, सही है, लगाया। उसके बाद जो लगा हुआ है ना, उसी को आप थोड़ा सा लेके, नेल्स पे जो लगा हुआ है उसी को, मैंने और नहीं लिया, देखें जो नेल्स पे लगा हुआ है उसी को लेकर मैंने पूरे हाथों पे अच्छी तरीके से लगा दिया, सही है, पूरे हाथों पे अच्छी तरीके से लगा दिया।
अब ये चिपचिपा नहीं है, देख ले, अब इसमें चिपचिपाहट नहीं है इतनी, लेकिन एक शाइन आ गई ना सामने सामने। अब जो है आप रात को सो जाएं और सुबह जो है अच्छे से माइल्ड जो है ना सोप वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं इस्तेमाल कीजिए, आपको ऐसे नरम मुलायम हाथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेंगे। ये मैंने आपको बता दिया DIY, डू इट योर सेल्फ टू योर हैंड्स एंड फीट, ठीक है। और हमारे नेचुरलाइज में भी हम स्किन फूड क्रीम बनाते हैं, ये भी बहुत बहुत ज़बरदस्त है। मैं जो करती हूँ वो मैंने आपको बता दिया, और इन सारी चीज़ों को मर्ज करके हमने क्रीम बनाई है। नाउ इट्स अप टू यू, जो अवेलेबिलिटी हो वो कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह गफुरुर रहीम आपका और मेरा हामी नासिर, और अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी अमान में रखे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।